KMD Keys और RG Central Locking Tester में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास है RG का Central Locking Tester। ये Central Locking Tester की मदद से आप रिमोट को ऑन टेबल प्रोग्राम कर सकते हो। कभी कभार हमारी गाड़ी के डोर स्विच में प्रॉब्लम होती है या मॉड्यूल की वायरिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में रिमोट को प्रोग्राम करना मुश्किल होता है। तो मॉड्यूल हमारा ओके होता है, हमारे को मॉड्यूल बस गाड़ी में से निकालना है, RG सेंट्रल लॉकिंग टेस्टर पर लगाना है और उसके बाद हमारे को रिमोट प्रोग्राम करना है। रिमोट प्रोग्राम करने के लिए हमारे को एक रिमोट की आवश्यकता पड़ेगी। वो रिमोट हमारा KMD ऑटोकॉप हो सकता है, KMD जिनॉक्स, KMD निपॉन या KMD के KD के रिमोट। अभी जैसे कि हमारा ये रिमोट है, RG सेंट्रल लॉकिंग टेस्टर के अंदर हमारे को सारी चीज़ें बहुत ही साफ तरीके से दिखाई गई हैं, जैसे कि लॉक बटन। ये RG सेंट्रल लॉकिंग टेस्टर का लॉक बटन है, लॉक दबाया। ये इसका अनलॉक बटन है, अनलॉक दबाया। ये इंडिकेटर्स हैं, ये इसका डोर स्विच बटन है, ये मैंने डोर स्विच बटन दबाऊंगा, ये डोर स्विच बटन दब गया। ये RG सेंट्रल लॉकिंग टेस्टर की एक स्पेशल लाइट है, स्पेशल LED जो निपॉन की मॉड्यूल के अंदर लग के आती है। निपॉन के रिमोट को प्रोग्राम करने के लिए आपको इस LED की आवश्यकता पड़ेगी। ये है हमारा निपॉन का रीसेट स्विच, निपॉन का रीसेट स्विच, इसकी मदद से आप निपॉन की सेंट्रल लॉकिंग को प्रोग्राम करोगे। ये हमारे हैं फ्यूज। ये KMD के रिमोट्स और KDX2 की मदद से आप रिमोट को डायरेक्टली कॉपी करके भी चेक कर सकते हो इसमें, और KD की मदद से आप नया रिमोट जनरेट करके, फ्लिप वाले रिमोट को जनरेट करके आप गाड़ी में प्रोग्राम भी कर सकते हो। आपको सारा का सारा सोल्यूशन RG सेंट्रल लॉकिंग टेस्टर आपके टेबल पे ही दे देगा कि रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मॉड्यूल सही है कि नहीं है। और इसके साथ हमारे को काफ़ी सारी वायर्स भी मिलती हैं अलग अलग सेंट्रल लॉकिंग के लिए, जैसे कि बोलेरो, ऑटोकॉप, स्कॉर्पियो, क्रॉसलिंग व्हील्स, निपॉन, RD, ब्लैक कैट, इन सब गाड़ियों का रिमोट जो है आप इसको डायरेक्टली मॉड्यूल निकाल के ऑन टेबल प्रोग्राम कर सकते हो KDX2 की मदद से, मैनुअली या जो है KMD KD के रिमोट लगा के। थैंक यू। KMD किस की नई वीडियोस के लिए पहले YouTube खोलिए, फिर उसके बाद सर्च के कॉलम के अंदर KMD टाइप करिए। आपको यहाँ पे KMD के लोगो के साथ एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को प्रेस करें, यहां पे सब्सक्राइब बटन को दबाओ, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाओ। इसके साथ आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।